दुनिया में बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें किसी शख्स को पानी से डर लगता है तो किसी को अंधेरे से। लेकिन क्या कभी आपने ऐसे डर के बारे में सुना है जिसमें किसी को खाने से ही डर लगता हो? क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके बिना किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं है। बात है ओलिवर टेलर की, जो 3 साल का है और जिसे खाने से डर है। ओलिवर को एवॉइडेंट रेस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान को खाने से डर लगता है या खाने के स्वाद के प्रति नकारात्मक रिएक्शन आता है। ओलिवर के माता पिता एमा और मैटी टेलर ने अपने बेटे की कहानी को शेयर करते हुए कहा है कि हमें उसे खिलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एमा टेलर ने भी जोड़ा कि हम उसे अब भी ट्यूब से ही खिलाते हैं। ओलिवर के माता पिता का कहना है कि वह उसे खिलाने के लिए बहुत सतर्कता से काम करते हैं। ये समस्या उसकी संवेदनशीलता और ऑटिस्टिक होने के कारण भी हो सकती है। ओलिवर के लिए खाने का डरावना अनुभव है जिसे उसके माता पिता को हल करने में कई मुश्किल आती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन अकेडमिक ऑफ चाइल्ड एंड डिसऑर्डरेड साइकोलॉजी डॉक्टर रेबेका लेडवेल ने कहा कि ओलिवर की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर किसी की समस्या को समझने और सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत है। बहरहाल आपकी इससे क्या राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।